इस चुनाव में भाजपा और आरएलडी ने मतलब रोंडी पी ली। रोंड तो हुई और तकड़ी हुई उपचुनाव में। मैंने पहले इंटरव्यू में कह दिया था कि पुलिस प्रशासन तो होगा तो अलग बात है, सीधा भाजपा से मुकाबला होगा तो भाजपा बुरी तरह हारेगी, कि बटन दबाने वाले भी हैं भीतर कोई और होंगे। सुम्बुल राणा की छवि दागदार थोड़ा ही है, बताओ। पुत्र वधु तो वो कादिर राणा की है। नहीं, पुत्र वधु होना कोई दोष है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुम्बुल राणा को लगभग 30,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नेताओं के जीत के बड़े बड़े दावे थे। अब इस हार के पीछे आखिर वजह क्या रही, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद, आपका भी, आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। मीरापुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत का आप भी दावा कर रहे थे, लेकिन वहां पर तो लगभग 30,000 वोटों से सपा प्रत्याशी चुनाव हार गई है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैंने पिछले जब आपने इंटरव्यू लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन होगा तो बुरी तरह इलेक्शन हारेगी भाजपा, 9 की 9 विधानसभा, मीरापुर ही नहीं 9 पे। पुलिस प्रशासन से हुआ तो बात अलग है, और आप देख लीजिएगा आपके जितने भी चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, सबने दिखाया किस तरीके से वहाँ पे अवैधानिक तरीके से रोका गया। आईडी चेक करने के कोई अधिकार पुलिस को नहीं थे, चुनाव आयोग की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर उसका दुरुपयोग किया अपने पुलिस बल का, रिवाल्वर तक तान ली गई, भगाया गया वहाँ से, कुछ ही बहाना बना के लाठी चार्ज किया गया। आप क्या महसूस करते हैं, अगर प्रत्याशी कादिर राणा की पुत्र वधु सुम्बुल राणा ना होकर कोई और मुस्लिम प्रत्याशी होता तो क्या परिणाम और तरीके के हो सकते थे? मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला हो तो सुम्बुल राणा कहाँ चुनाव थोड़ा ही हार रही थी, ये तो पुलिस प्रशासन के साथ हुआ। चुनाव प्रशासन के साथ हुआ? हाँ, पुलिस प्रशासन के साथ। सत्ता का दुरुपयोग किया गया उपचुनाव में। उपचुनाव में कुछ चुनाव से हम देखते आ रहे, जैसे कुनरकी सीट है, 65% मुस्लिम है, अब 1,40,000 थे भाजपा जीत रही लंबे अंतराल के बाद, क्या तुक बैठे हैं बताइए। चारों तरफ इसी तरीके से ये हार देख के इस तरीके का बल प्रयोग करके अवैधानिक तरीके से रोक कर निष्पक्ष चुनाव हो तब सही पता लगा कि हाँ जनता का मूड क्या है, लेकिन इसी से अंदाजा लगाया जा सके कि सत्ता बौखलाई हुई थी और जनता का मूड सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को जिता रहा था। चौधरी साहब, अगर प्रशासन का दबाव होता तो फिर समाजवादी पार्टी 2 सीटें कैसे जीत गई, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, उसको भी हरा रही थी, वहां पे भी किया गया, लेकिन वहां लीड बहुत थी। उसमें करहल में इन्होंने 1-2 सीटों को वो करके, चलो भाई ठीक है, करहल उनकी थी सीटिंग सीट, सीसामऊ में इसी तरीके से अब 8,000 कुछ से जीती, 14,000 14,500 से हैं करल जीती, तो ये तो सीधा देख नहीं रहे क्या आप लोगों के द्वारा ही जो चैनल हैं आप लोगों के उनमें स्पष्ट नहीं आ रहा क्या? वो पिस्टल तानने वाली जो वीडियो वायरल हो रही है तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि वहां पर तो दंगा हो रहा था, तो दंगा नियंत्रण करने के लिए तो इस प्रकार की कार्रवाई तो संभव है। दंगे का तो बहाना है, दंगा कहाँ हो रहा था, कौन सा दंगा हो रहा था वहां से, वहां तो महिलाएं चमक रही सामने, महिलाओं के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा उसमें वायरल जो वीडियो हो रही। पुलिस को ऊपर से आदेश थे, वो सीधी सी बात है वो तो उसका पालन कर रही थी, तो ये कोई प्रजातंत्र थोड़ा ही है।
चौधरी साहब, जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती तो उस समय भी यही प्रशासन था और यही प्रजातंत्र था, यही लोकतंत्र था? ये उपचुनाव है, वो आम चुनाव था, उस टाइम हमने क्यों नहीं आरोप लगा दिए? 37 ही तो जीती थी, उस टाइम क्यों नहीं आरोप लगा दिया? 80 में तो 37, बाकी तो उन्होंने जीती थी, 6 कांग्रेस ने जीती थी, गठबंधन ने समझो 43 सीटें जीती थी। तो आरोप का लगाने का वैसे ही नहीं होता, ये तो सामने दिख रहा। चुनाव आयोग को बार बार कहा गया, रिपोल की मांग की गई, कुछ नहीं। अगर विपक्ष चुनाव जीत जाए तो सब सही, अगर भाजपा चुनाव जीत जाए तो फिर सब गड़बड़। विपिन जी यानी बात है भाई, विपक्ष जीत जाए तो सब सही, भाजपा जीत जाए तो सब गड़बड़ है, सामने दिख रहा भाई, आंखों के सामने, दिन में, दिन के उजाले में, सूर्य की रोशनी में भी दिया दिखाने की जरूरत पड़ेगी, दिया जलाने की जरूरत पड़ेगी। आपने अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कह दिया था, पूछ लिया था कि बबुआ बालिक कब होगा। आपने कहा था कि अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती, तो अब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 7 सीटें भाजपा जीत गई हैं, 2 सीटें अखिलेश यादव ने जीती हैं, तो अब अखिलेश यादव बालिग हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बालिग हैं? अभी जो मैंने पीछे आपके सवाल के जवाब दिए उनमें सारे इन सवालों के जवाब भी आ रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, साथ में प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही, तो बालिग और नाबालिग का क्या रहेगा? 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था, अब भी बढ़ा हुआ है, और जनता देख रही, आम जनता में जाकर देखिए, पूछिए के क्या वे इस जीत को जीत मान रहे भाजपा की, आम जनता को जाके जानकारी करिए। शादी ब्याह चल रहे, इनमें जा रहे हम भी, स्पष्ट सभी लोग कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती की गई, तो कोई मैं ही थोड़ा ही, आम जनता में भी इसका संदेश गलत जा रहा। तो अब 27 में किस तरीके की तैयारी है आपकी? 27 का आम चुनाव है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी है, ये तो चाह रहे कि एक इलेक्शन ही ना हो। जिस तरीके का रवैया इनका चल रहा है, ये तो ये सोच रहे कि भाई इलेक्शन ही ना हो, फिर क्या जरूरत है? संविधान के प्रति जो निष्ठा, प्रजातांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली बात क्या नजर आ रही? तो चुनाव 27 का मजबूती के साथ लड़ेंगे, जनता लड़ेगी चुनाव, देख लिया जनता ने क्या हुआ, मील के डेलीगेटों में देख लो, डायरेक्टरी में देख लो, मील की में पीछे पहले सोसाइटी में था, प्रमुखी में था, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, आगे इनमें देख लीजिए, जो निकायों के द्वारा एमएलसी के चुनाव होते उनमें किस तरीके से प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, ये तो चल रहा है। और ये उपचुनाव है, इन उपचुनाव में मैंने पहले इंटरव्यू में कह दिया था कि पुलिस प्रशासन तो होगा तो अलग बात है, सीधा भाजपा से मुकाबला होगा तो भाजपा बुरी तरह रहेगी, और 27 में इसका जनता इनको जरूर जवाब देगी। चौधरी साहब, वोट डालने वाली तो जनता है और इन उपचुनाव में भी वोट डालने वाली जनता थी, तो फिर 27 में किस तरीके से जनता जवाब देगी? विपिन जी, मैं समझ ही नहीं पा रहा, आपने सुई जो है वहीं अटका दी जबकि मैंने बताया जनता को वोट डालने ही कहां दिया गया, किस तरीके से जो है वोटरों को खदेड़ा गया, पुलिस प्रशासन ने किस तरह जबरदस्ती की, जब बाहर इस तरीके से हड़कंप मचा रखा और उसको आईडी चेक करने का दिया, अंदर है मशीन के बटन
किस तरह दबे होंगे, किसने इस भारी इसमें धींगा मस्ती में, तो सपस सी बात है, इसी से अंदाज लगा लेना चाहिए कि बटन दबाने वाले भी हैं, भीतर कोई और होंगे। सुंबुल राणा की जीत का आप भी दावा कर रहे थे, तो आधार क्या था? क्या आधार मुस्लिम वोट था? आधार मुस्लिम वोट था, सपोर्ट बाकी सभी का था, सर्व समाज का सपोर्ट था। ये जिसको सर्व समाज का वोट मिलेगा वो जीत के मुहाने पर पहुंचेगा और बेहतरीन जीत उसी को कहलाई जाए। आपने चौधरी साहब अगर चुनाव परिणाम देखा हो तो वहां पर जो और मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे तो मुस्लिम समाज का जो वोट था वो तो उन प्रत्याशियों में भी बट गया। नहीं नहीं विपिन जी, ये तो वोट तो पहले भी गए, वोट तो वो पहले भी बटे। बटना क्या था, वोट तो गए, वोट तो ऐसा ही किसी की तरफ गया दूसरे की तरफ, ऐसा ही दूसरे की तरफ से आया भी, ऐसा का हिंदू वोट आया ही नहीं बिल्कुल भी सिंगल वोट भी नहीं आया हिंदू वोट, बूथ वाइज उठा के देखो जब पता लगेगा सही। प्रत्याशी की भाई आजाद आजाद समाज पार्टी का जो लड़ रहा था तो क्या उसको दूसरा वोट नहीं मिला होगा, हिंदू वोट, हिंदू वोट भी तो मिला होगा उसको। प्रत्याशी की छवि का भी कुछ इस चुनाव पर प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, प्रत्याशी की तो छवि दागदार नहीं है, सुंबुल राणा की छवि दागदार थोड़ा ही है। बताओ पुत्र वधु तो वो कादिर राणा की है। नहीं, पुत्र वधु होना कोई दोष है, सुंबुल राणा की तो आगे चल के पता लगती भाई क्या छवि थी क्या नहीं थी। अगर ये इस तरीके का कोई काम कर दी जनता के हित में नहीं तो स्वाभाविक सी बात आगे जनता इसको नकार देती सुंबुल राणा को। लेकिन किसी का दोष किसी को थोड़ा ही दिया जा सके। मतलब आपको लगता है कि आज भी मुस्लिम समाज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ है? मुस्लिम समाज का ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ तो सर्व समाज का वोट है, ये किसी का ज्यादा किसी का कम। चौधरी साहब चुनाव से पहले जो बिजनौर से सांसद हैं चंदन चौहान और मीरापुर से वो विधायक भी थे, उन्होंने कहा था कि 2022 में जितने वोटों से मेरी जीत हुई थी तो उससे ज़्यादा वोटों से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल की जीत होगी, तो वही हुआ? वही हुआ जो मैंने भी कहा था आपसे पिछले इंटरव्यू में, जो मैंने भी कहा था वही हुआ। एक बार फिर आप रिपीट कर दीजिए, आप देख लीजिएगा जो पिछला इंटरव्यू था तो मैंने रिपीट कर दिया था, इसमें भी कर दिया था, वही हुआ जो मैंने कहा था। अच्छा, फिर वो बात दोहरा रहे हैं कि अगर चुनाव भाजपा से होगा तो सुंबुल राणा चुनाव जीतेंगे, अगर प्रशासन से हुआ तो फिर? आप पत्रकार हैं भाई, बिंटे की तरफ से खुद दें बात वही है, समझदार हैं आप, समझ रहे हैं जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है और जनता समझ रही कि इन उपचुनाव में क्या धींगा मस्ती हुई, प्रजातंत्र को लोकतंत्र को किस तरीके से तार तार किया गया, जनता समझ रही। आप घूमिए जनता में, आम जनता में, चारों तरफ यही आवाज देगी, गलत हुआ। आप कह रहे हैं कि पिस्टल तान कर ये चुनाव जीता गया, लेकिन पिस्टल तानने वाले दरोगा को ही अब सम्मानित किया जाएगा, और उधर वहां पर दरोगा से जो महिलाएं उलझ रही थी उन्हें अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं। नहीं देखो, मैं महिला है, उनके हाथ में कोई डंडे थे, अब कौन सम्मानित कर रहा दरोगा को कौन नहीं, वो तो पुलिस में है, पुलिस के जो दरोगा सिपाही या कोई भी है उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती, जब वो काम करे अपने उसमें ईमानदारी के साथ काम करता है तो वो अगला जो आ रहा पीड़ित आ रहा उसको देखेगा ईमानदारी से काम करने वाला, ना जाति को देखेगा ना बिरादरी को देखेगा।
लठ बजे जब लाठीचार्ज हो, क्या पुलिस उसमें भी देखा गया भाई तुम्हारी बिरादरी का कौन कौन है, वो पता लगा ले कोई? तो ये तो इस तरह की परंपराएं तो कोई भी हो नहीं होनी चाहिए। रही उनकी महिलाओं की, महिलाओं ने अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना चाहा और वे उस पिस्टल से नहीं घबराई। जो भी महिलाएं थी, मैं सामने दिख रही वीडियो वायरल हो रहा, उनके हाथ में कोई वो नहीं था, उनके हाथ में थी अपने आईडी वगैरह जो भी ले रही थी वो थी। तो कुल मिलाकर बात यह है देसी भाषा में कि इस चुनाव में भाजपा और आरएलडी ने मतलब रोंडी पी ली। रोंड तो हुई और तकड़ी हुई। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।